14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। हिजाब विवाद के बीच जिस बात का जिक्र लंबे समय से हो रहा था, आखिर उसकी घोषणा हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में भाजपा की नई सरकार आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार होगा। खटीमा में चुनाव प्रचार के बाद सीएम धामी ने कहा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति बनाएगी, जिससे राज्य में जल्द से जल्द इसे लागू किया जा सके। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायभितों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की खटीमा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। शनिवार सुबह उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार तुरंत कमेटी बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। चुनाव से पहले इसे देवभूमि पर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और ये यूनिक कल्चर को और शक्ति देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता की ओर से पुष्कर सिंह धामी जी को मैं बधाई देता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सबका साथ, सबका विकास। सबको कानून के सामने सबका समानता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कमिटमेंट है। दिस इज फुलफिलिंग ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को इस निर्णय के लिए फिर एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपको बता दें कि अभी देश में सभी धर्मों के विवाह और तलाक के कानून अलग अलग हैं, साथ ही संपत्ति और पैतृकता के कानून भी अलग अलग हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए शादी, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून समान होंगे। सुप्रीम कोर्ट कई बार विभिन्न धर्मों के शादी, तलाक या गुजारा भत्ता के मुकदमों में समान नागरिक संहिता की वकालत कर चुका है।